नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीएनए न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। म्याना में डेंगू बुखार फैल रहा है। इस कारण म्याना के ग्रामवासियों ने एक रैली निकालकर स्वास्थ्य विभाग को जगाने की कोशिश की, जो कि सोया पड़ा है। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि रैली निकालने से स्वास्थ्य विभाग की नींद जाग जाए और वो डेंगू की रोकथाम कर सके। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में जाकर मेडिकल ऑफिसर को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि म्याना की गलियों में गंदगी फैली हुई है, जिसे साफ नहीं किया जा रहा। साथ ही कई जगह पर पानी भी भरा हुआ है, जिसके चलते डेंगू बढ़ रहा है। जब गंदगी की बात आई, तब हाई स्कूल के कुछ छात्रों ने भी डॉक्टर के सामने अपनी समस्या रखी। स्कूली छात्रों ने कहा हॉस्पिटल से जो गंदा कचरा निकलता है, उसे स्कूल के पास ही जलाया जाता है। साथ ही डिलीवरी के बाद गंदे कपड़े भी स्कूल के पास ही जलाए जाते हैं। साथ ही छात्रों ने बताया कि गंदे कपड़े जलाए जाने से प्रदूषण तो होता ही है, साथ ही उससे निकलने वाली जहरीली गैस से बीमारियां भी फैलती हैं। वहीं मांग की गई कि इस हानिकारक कचरे को स्कूल के पास न जलवाया जाए। वहीं जब इस बारे में स्वास्थ्य अधिकारी से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि आगे से कचरे को गाँव के बाहर ही जलाया जाएगा। पर यहाँ एक प्रश्न यह भी उठता है कि काफी लंबे समय से यह कचरा स्कूल के पास क्यों फेंक दिया जा रहा था। जानकारी होगी, बरसात के जाने के बाद नालियों में गंदा पानी और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण डेंगू का लार्वा तमाम नालियों में फैल रहा है। इस ओर स्वास्थ्य विभाग ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए हम सभी ग्रामीण वासी या स्वास्थ्य विभाग को जागृत करने के लिए एक विज्ञापन देने के लिए यहाँ हम सब लोग पधारे हुए हैं। आप सब लोगों का योगदान पूरी नहीं व्यापी करो। आपकी ऊपर क्या मरीज निकलते ऊपर तक पहुँचा दे, वो तो गारंटी है मेरी। सर 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 और पहुँचो और पहुँचो और पहुँचो आप एवं स्वास्थ्य अधिकारी महोदय गुना मत कर दे। विषय डेंगू बुखार की महोदय उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम म्याना में डेंगू बुखार के लक्षण फैलते जा रहे हैं। आए दिन डेंगू बुखार से ग्रस्त मरीज हमारे ग्राम म्याना में नजर आ रहे हैं। इसी के चलते म्याना के करीब 10 मरीज डेंगू बुखार से ग्रस्त है, वो कोटा में भर्ती है। अंत हम सब समस्त ग्राम भैया तिवारी जी जरा दे दो, इनका बगल में ये है और ये इसको कचरे का इंतजाम करें। दूर हो जाओ पेपर में तकरा कचरा मचरा सब स्कूल के बाग बाउंड्री फोड़ ले ली, जग बाउंड्री फोड़ ले ली, अस्पताल की भी फोड़ ले ली। घुमा के छात्रावास बगल में बिल्डिंग लगी हुई है, बिल्डिंग है वहाँ पे, ये पास में ही कचरा डला देते हैं, जिससे उसमें कुछ दवाई है, एक्सपायर्ड दवाइयाँ रहती हैं जिनकी बदबू आती है और हमारी क्लास कई दिनों तक कुछ दिन तक डिस्टर्बेंस हो जाती है और हमारी पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पाती है। कुछ लोगों को तो चक्कर आते हैं या मतलब किसी का सिर दर्द करता है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम आती है। इसलिए हम ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ स्कूल के ये सफाई केंद्र है, यहाँ से आगे कहीं और जलावे कचरा सभी फैला हुआ है, इसलिए कुछ लोग 10 लोग तो गुना कोटा ग्वालियर भर्ती है। इसलिए ये ज्ञापन दिया है डॉक्टर साहब को, यहाँ की रोकथाम के लिए कुछ किया जाए, डीडीटी वगैरह छिड़की जाए, धुआं उड़वाया जाए,
या फिर लार्वा का चेकिंग किया जाए, टीम जाए घर घर उसकी चेकिंग की जाए, इसको रोकथाम के लिए ये ज्ञापन दिया गया। और ग्राम पंचायत से बोले कि विशेष ध्यान दें कि नालियाँ पूरी भरी हुई हैं, ये नाली साफ की जाए, नालियों की गंदगी से बहुत मच्छर पैदा हो रहे हैं, घर घर बहुत मच्छर है। एक्चुअली गांव वालों ने मेरे को डेंगू बुखार फैल रहा है मैना में, उसके लिए एक ज्ञापन दिया है कि आप थोड़ा सर्वे वर्वे कराएं। गांव में 5-6 लोगों को बता रहे हैं कि डेंगू फैल रहा है। हालांकि सर्वे अपन पहले से 80 घरों का मैं करा चुका हूँ अभी 5-7 दिन पहले, और आज भी मेरी टीम आ रही है। कल छुट्टी पड़ गई, कल नहीं हो पाया था, लेकिन आज मेरी टीम आ रही है तो आज भी बाकी जगहों में सर्वे हो जाएगा। थोड़ा गाँव बड़ा है तो 2-4 दिन सर्वे में लगेंगे, लेकिन 80-82 घरों में हमने एक बार करा चुके हैं सर्वे। जहाँ मैं संदिग्ध लगा था वहाँ तो करा ही चुके। बाकी ये सीएमएचओ साहब के नाम उन्होंने ज्ञापन दिया है, तो टीम मैंने बुलाई है, सीएमएचओ साहब को भी इसको फॉरवर्ड कर दूंगा और सर्वे करा देंगे। तो 2-3 दिन के अंदर पूरा सर्वे हो जाएगा पूरे मैना का। वैसा कचरा है, वैसा कचरा तो हमारी BMW की गाड़ी ले जाती है, जो छोटा मोटा है जाके अपन जला देते हैं शाम के समय, वो है। तो वो अगर वो कह रहे हैं तो उसको अपन वहाँ की जगह कहीं गाँव के बाहर जाके जलवाते हैं, सादा कचरा है। अस्पताल में लगी मरीजों की भीड़। जिला अस्पताल में इन दिनों मरीजों की भीड़ देखी जा सकती है। यह भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि पैर रखने के लिए तक जगह नहीं मिलती। मरीजों की सुविधाओं के लिए शुरू की गई थी ऑनलाइन पर्चे की व्यवस्था, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि इससे मरीजों के पर्चे जल्द ही बनेंगे, साथ ही उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। लेकिन इस व्यवस्था से लाइन कम होने की जगह इतनी बढ़ गई कि पैर रखने के लिए जगह भी नहीं बचती। मानस भवन में शुरू हुआ योग शिविर, पतंजलि योग प्रचारक प्रकल्प हरिद्वार के द्वारा। इसमें लोगों को योग के फायदे के बारे में बताया जाएगा, साथ ही यहां पर योग शिक्षकों का सम्मान भी किया गया। इसमें दोनों घुटने हथेलियां हाथ में घुटनों पर रहते हैं। अब अनुलोम विलोम का देखें, जब करेंगे सीधे हाथ की नाक पर बिछर के बाई नाक की मांग भरते हुए करते हैं। यदि किसी का बाया हाथ सकता है वो यू करेगा तो गलत हो जाएगा। जब करेंगे सीधे हाथ की नाक पर बिछर के बाई नाक की मांग करेंगे, ये बाया स्वर है चंद्र स्वर और ये सीधा सूर्य स्वर। प्रकल्प का सम्माननीय जो ग्रामीण योग कक्षाएं चल रही हैं उनको सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम है, कार्यकर्ता बुलाए गए हैं पूरे जिले से। उसके बाद शाम को आध्यात्मिक प्रवचन है परमपूज्य स्वामी जी का, 7-9 तक 2 घंटे का। अभी सम्मान समारोह है योग शिक्षक। पीजी कॉलेज में रखा गया चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में चुनाव कराने वाले अधिकारी कर्मचारियों को वोटिंग मशीन के बारे में जानकारियां दी गईं। कंट्रोल यूनिट में पाए जाने वाले मतों की संख्या बाकायदा घटाना है आपको। 902-2=900 ये मत लेखा है। इसके ठीक नीचे ग्रीन पेपर का हिसाब ध्यान रखना, एक वो जो आपके पीछे भी एंट्री, एक वो जो आपको यहाँ जमा करना है चेक होगा आपका, और दूसरे केवल वन साइडेड रहेंगे, उसके पीछे नहीं रहता है। वो आपको उन जो कि मशीन में है, मशीन में डाला गया है, उसने वहाँ डाला है और उसकी पर्ची भी कट के गई, लेकिन वो ओपन है,
इसलिए उस टेस्ट बोर्ड को परीक्षण पत्र को पूरा लिखना है किस अभ्यर्थी के लिए डाला, किसने डाला, चौथे में कॉलम में एंट्री है उसकी, और पांचवें कॉलम में कंट्रोल यूनिट में पाए जाने वाले मतों की संख्या। तो आप कंट्रोल यूनिट 900 बता रही है, तो आपको क्या करना है, वो जो दूसरा कॉलम मतदाता रजिस्टर में टोटल एंट्री, तीसरा दो आए थे ना जिनने खुद मतदान न करने का निश्चय किया और जिसको पीठासीन ने मतदान प्रक्रिया के उल्लंघन की वजह से अनुज्ञा शहर में बढ़ते डेंगू प्रकोप को देखते हुए सतर्क हुआ मलेरिया विभाग। आपको बता दें कि इन दिनों शहर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जिसको देखते हुए मलेरिया विभाग सतर्क हो गया है। मलेरिया विभाग के द्वारा श्रीराम कॉलोनी में पहुंचकर जांच की गई, जहां लोगों के द्वारा कूलरों में रखा पानी टीम के द्वारा फैलाया गया, साथ ही दवा का छिड़काव भी कराया गया। तीन डीजी के पास लार्व पॉजिटिव केस लार्व डेंगू का होने के कारण लार्व सरनिकन में हमारी पूरी मलेरिया टीम के 9-10 लोग लगे हुए हैं, जिसमें हमारे महामारी नियंत्रक सत्येंद्र रघुवंशी, सहायक मलेरिया अधिकारी विष्णु रघुवंशी, मैं दिनेश शर्मा, मुन्ना लाल शेर और बाकी के अन्य हमारे सभी साथी लार्वा सर्वे कर रहे हैं घर घर जाकर। वो कूलर, टीवी, कूलर और फ्रिज इनमें जो है खासकर देख रहे हैं, और रुके हुए पानी जो गमले या टूटे फूटे टायर या जो कैन पानी की जो स्टॉक करके रखते हैं 7 दिन से ज़्यादा, उनमें अधिकतर लार्वा पाया जा रहा है। तो खासकर कूलर में जो पानी भरा हुआ है जो लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा लार्वा मिल रहा है। शहर के दो प्रतिष्ठित दुकानों पर इनकम टैक्स की कार्रवाई। आपको बता दें कि जैन ज्वेलर्स वर्धमान ज्वेलर्स पर इनकम टैक्स सर्वे की कार्रवाई जारी है, जिसमें माल का मिलान किया जा रहा है। कोई भी अधिकारी अभी कुछ बताने को तैयार नहीं है। दोनों ही दुकानें सदर बाजार में स्थित हैं। वर्धमान ज्वेलर्स पर गेट बंद कर चल रही है कार्रवाई। दोनों ही संस्थाओं पर सर्वे की कार्रवाई जारी है, साथ ही टीम दस्तावेज भी खंगाल रही है। अधिकारी अभी मीडिया से कुछ भी बताने को कतरा रहे हैं। साथ ही दोनों संस्थाओं के बाहर गेट पर सशस्त्र पुलिस बल भी तैनात है। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा बिना टीपी नंबर के चल रहे टैक्सियों पर चालानी कार्रवाई की गई। आज ट्रैफिक पुलिस के द्वारा स्थानीय जयस्तंभ चौराहे पर बिना टीपी के नंबर के चलते टैक्सियों को पकड़ा गया, साथ ही जिन टैक्सियों के पास कागजात नहीं थे उन टैक्सियों को थाने में रखवा लिया गया। शहर में बिना टीपी नंबर के ऑटो ये ऐसे ऑटो जिनको कोई कागजात नहीं है और इन्हें शोरूम से खरीद लिए हैं और आरटीओ में बोले फाइल पड़ी है, महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, नंबर का कहीं से कहीं तक कोई पता नहीं है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की। कितने चालान काटते हैं अभी? भी शुरू किया है, 3-4 चालान काटे हैं और उसमें कार्रवाई दिन भर करेंगे। इसमें क्या है, जो शोरूम से उठा लेते हैं ऑटो और शोरूम वाले पैसा जमा कराते हैं, आरटीओ से नंबर नहीं मिलता, ये लोग वहाँ बहस ना करते हुए यहाँ आके बहस करते हैं। इनको वहाँ देखना चाहिए क्यों इनका नंबर नहीं आ रहा, जबकि नियम है 7 दिन के अंदर नंबर आ रहा है।
विधानसभा चुनाव को देखते हुए अवैध शराब बेचने वालों की गई धरपकड़। आबकारी विभाग के द्वारा अवैध शराब बेचने वालों पर धरपकड़ की गई, जिसमें 58 प्रकरण बनाए गए। साथ ही 80 लीटर मदिरा, 240 लीटर हाथ से बनी देसी मदिरा व 1400 किलोग्राम महुआ लहान भी जब्त किया गया। विधानसभा निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में पिछले वीक हमारे आबकारी के उड़नदस्तों द्वारा फतेहगढ़, बमोरी, चाचौड़ा, राघोगढ़, गुना आदि क्षेत्रों में दबिश देकर के करीब 58 प्रकरण कायम किए गए आबकारी अधिनियम के तहत, जिसमें 81 लीटर देशी मदिरा, 240 लीटर हाथभट्टी मदिरा और 1400 किलो महुआ लहान जब्त किया गया, जिसमें करीब 58 मुलजिम बनाए गए हैं और इसकी अनुमानित कीमत करीब 1,60,000 रुपये है और ये कार्रवाई हमारी लगातार जारी रहेगी। प्रधानमंत्री सड़क और सड़क किनारे बनाई गई नालियां चढ़े घटिया निर्माण की भेंट, ग्रामीणों ने उठाए सवाल। मामला ग्राम पंचायत में बनने वाली खुरदोन गांव के लिए प्रधानमंत्री सड़क का है, जिसमें सीसी खरंजा घटिया गुणवत्ता का है। वहीं सड़क किनारे जो नाली का निर्माण किया गया है वह भी घटिया गुणवत्ता का है। एक माह भी पूरा नहीं हुआ नाली बनाए हुए, जगह जगह से टूटकर चटककर गिरने लगी है। ग्रामीण निरपर धाकर ने कहा है कि रोजाना मवेशी और बच्चे गिरकर घायल होते हैं। वहीं निर्माण के दौरान निर्माण एजेंसी से ग्रामीणों ने शिकायत की, लेकिन उसे अनदेखा कर दिया गया। सड़क में खास बात यह है कि जो प्रधानमंत्री सड़क का बोर्ड ठेकेदार द्वारा लगाया गया है, उस पर दो गांवों के अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, गुना पाड़ौन फतेहगढ़ मार्ग से महूपुरा और गुना पाड़ौन फतेहगढ़ से छिकरी गाँव के बोर्ड लगे हैं, जबकि ये दोनों ही गांव इस सड़क पर स्थित नहीं है। ये सड़क ग्राम बने से खुरदोन तक बनाई जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि जब बोर्ड ही गलत नाम के लगे हैं तो मार्ग की लंबाई भी कम ज्यादा होगी और जो लागत लगी है वह भी कम ज्यादा होगी, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि मार्ग का निर्माण कितनी लागत से हुआ होगा। समस्या ये है, पूरा इतनी घटिया नाली बनाई गई, इसमें मान लो छुरी से कोई बसले वगैरह नहीं मिलाया गया, सीमेंट ही बहुत कम मिलाया है। एक महीने के अंदर पूरी नाली जगह जगह छटक गई, वो जब अपने आप एक ट्रैक्टर की मार दबस से ही पूरी नाली फूट गई, पूरी मालूम खराब हो गई। इससे पूरे स्कूल के बच्चों को मच्छर का समस्या, बुखार खाना सबका, और सबसे बेकार घटिया काम हुआ। और रोहिरा के मान लो मवेशी बच्चे ये नाली में गिर जाते हैं, पानी भर रहा हो इसमें लपट जाते हैं बच्चे, कहीं तो जहाँ स्कूल के बच्चे नहीं। किसके द्वारा बनाई गई है ये नाली? जो कोई ठेकेदार है, रघुवंशी है, और बंसल जी कोई इंजीनियर है, उनसे बोल भी नहीं। जब भी कोई अभी नाली का नहीं, किस योजना में ये सड़क और नाली का निर्माण हुआ? प्रधानमंत्री सड़क है ये, प्रधानमंत्री सड़क में। राधोगढ़ नगर में हो रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण। राधोगढ़ नगर में स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत आमजनों को समझाई देते हुए स्वच्छता सर्वेक्षण के सदस्यों द्वारा सर्वे ओम साइन विजन एनजीओ द्वारा नगर में 1 से 24 वार्डों में किया जाएगा, जिसमें हर रोज साफ सफाई से संबंधित गतिविधियां टीम के सदस्यों द्वारा की जाएंगी। राधोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। ये ध्यान रखना है कि दो कलर के डस्टबिन रहेंगे उसमें, एक तो आपका नीला कलर का डस्टबिन रहेगा और दूसरा रहेगा हरा कलर का डस्टबिन। तो जो नीला कलर का डस्टबिन है उसमें अपने लिए सूखा कचरा डालना है, और जो ये हरा कलर का डस्टबिन है उसमें अपने लिए नीला कचरा डालना है। जैसे सूखा कचरे में क्या क्या आता है, अपना कागज पन्नी उसका जो लिखा है कांच कपड़ा प्लास्टिक जो अपने नीले वाले उसमें ही डालना है, और जो गीला कचरा जैसे सब्जियां, फल फूल पत्ते राख चाय पत्ती आदि ये सब गीला कचरा में आते हैं। और तीसरा कि इससे पान खाते हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि देखो भाई जब तक हमारी सोच नहीं सुधरेगी तब तक स्वच्छ नहीं हो सकता, अपना नगर भी स्वच्छ नहीं हो सकता, अपना वार्ड का अपना घर स्वच्छ नहीं हो सकता, जब तक अपन अपने अंदर सोच नहीं लाए। ये सोच हमारे अंदर लाना पड़ेगा। अभी पिछली बार भी स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान 2018 चला था, जिसमें इंदौर प्रथम नंबर पे आया था, आपने सुना होगा, टीवी में भी देखते हैं कि नहीं, टीवी अखबार वगैरह आया था कि नहीं, दूसरे नंबर पे भोपाल आया था। तो क्यों आया था? क्योंकि वहाँ के लोगों की मानसिकता थी, वहाँ के लोगों की सोच थी। आज आप देख लीजिए, आप इंदौर चले जाइए, आप गुना चले जाइए,
और अन्य सिटी में चले जाइए। अगर आप कोई कचरा अगर डालते हैं तो आपकी स्थानीय बरवटपुरा में किशोरी बालिका उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कई तरह के कार्यक्रम को आयोजन भी हुआ। इस कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों एवं महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज किशोरी बालिका दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ हाजिर हुए हैं बरवटपुरा केंद्र आंगनवाड़ी, एंड इसमें हमें आंगनवाड़ी सहायिका और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने बहुत हेल्प की है। और हमारी BSW की टीम आई हुई है, जैसे ये है स्वाति मैम, ये है ज्योति मैम और ये है सविता मैम, और मेरा नाम अंजलि ओझा है। हमने मिलकर के आज किशोरी बालिका दिवस के उपलक्ष्य में कुछ करना चाहा था, फिर हम समझाएंगे किशोरी के बालिका दिवस पे क्या कर सकते हैं। जैसे कि आज आंगनवाड़ी सहायिका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की हेल्प की वजह से हमने एक मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, अभी हम चेयर का आयोजन करेंगे, और कि साथ ही साथ किशोरी बालिका को ये सिखाएंगे कि किस तरीके से वो अपना ध्यान रख सकती हैं। सबसे पहले ये बताया जाएगा किशोरी बालिकाएँ सबसे पहले जो पीरियड टाइम होता है, जिसमें बच्चियाँ समझदार नहीं होती हैं, उसमें ऐसा रहता है कि वो कपड़ा यूज़ करती, कपड़ा यूज़ नहीं करना चाहिए, इन्फेक्शन होता है उससे, जो आजकल पैड यूज़ करें अगर पैसे से नहीं ले पा रही हैं तो सरकार ने भी इसकी योजना मुफ्त में दी गई है, सरकार भी के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पैड दे सकते हैं। दूसरी चीज़ कुपोषित ना रहे, अगर कि एक बच्ची कुपोषित रहती है तो मतलब पूरा परिवार कुपोषित होगा, 18 साल के बाद उसकी शादी होगी, बच्चे होंगे, परिवार का रूप धारण करेगी एक बच्ची को, है एक बच्ची किशोरी बालिका, इसलिए उसको अपना ध्यान रखना चाहिए, एनीमिया की कमी ना हो, यानी कि खून की कमी ना हो, खून की कमी, जैसे कि हम लोग अभी एक और शिविर लगाएंगे यहाँ पे खून की जांच का, जैसे कि सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं, खून की कमी है तो सबसे ज़्यादा अच्छा पोषित खाना खाएं, पोषित खाने में विटामिन सी खाएं, फल फ्रूट खाएं, अनार खाएं, सेब खाएं, तो खाना खा रही हैं, उसमें दाल लें, सलाद खाएं, रोज हरी सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक करें, फल फ्रूट खाएं और अपना ध्यान ध्यान रखें। छोटी बालिकाएं क्या करती हैं, हर चीज़ में लापरवाही कर देती हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी पर भी खाना आता है वो भी बहुत अच्छा आता है, उसका भी उपयोग करें। डीजीआना न्यूज़ में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।